नमस्कार, स्वागत है आपका मैक्स लाइव पर। और चलिए बढ़ते हैं अपनी खास पेशकश की तरफ। लॉकडाउन को चलते अब एक महीना करीब करीब पूरा होने को है और सभी लोग जहाँ पर थे वहीं पर रुके हुए हैं। लॉकडाउन की पालना की जा रही है, दुनिया थम चुकी है। ऐसे विकट समय में हर किसी की निगाहें और आशाएं सरकार पर टिकी हुई है। स्थानीय सामाजिक संगठन व समाज सेवियों द्वारा दिल खोलकर मदद को हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हर संभव मदद करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा मदद के नाम पर नियमों का हवाला दिया जा रहा है, जो आम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले वर्ग के कुछ लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर रहे हैं। रावतसर कस्बे से पड़ताल करने पर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई जो यह बताती है कि बामाशाह द्वारा तमाम सहायता के बावजूद सभी प्रयास जो है वो यहाँ पर विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे कि हर कोई भूखे मरने पर मजबूर है, लेकिन हम वो कहानी बता रहे हैं जो कुछ एक लोगों के साथ मौके पर यहाँ पर घटित हो रही है। पहला मामला है वार्ड नंबर 25 के बलवीर नायक का। इस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर राशन खत्म है। प्रशासन कहता है कि BPL कार्डधारी है, बैंक खाते में मात्र 500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन आई है। बलवीर की पत्नी बीमार है और उसके पैर में भयंकर दर्द के चलते वह चलने फिरने में भी असमर्थ है। शुगर की पेशेंट है। सरकार से मिली 10 किलो गेहूं से वह कैसे गुजारा कर पाएगी, क्योंकि बीमार पत्नी की दवाई का खर्चा भी तो है। और प्रशासन द्वारा जो है राशन किट नियमों में पात्र नहीं होने के कारण नहीं दी जा रही है। मजबूर दंपति कहती है कि कोरोना से शायद बच जाएंगे, मगर भूख से कैसे बचेंगे। फिर हमारे द्वारा जब BPL कार्डधारी टिकूराम पुत्र टोपनराम नायक के घर जाकर देखा गया तो वहाँ पर पता चला कि उसकी पत्नी, टिकूराम की पत्नी, चंद दिन पूर्व देहांत हो गया और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले आटा चक्की पर काम करता था, परंतु पत्नी के देहांत के बाद महज 1.5 वर्ष के बच्चे व बुजुर्ग माता को संभालने के लिए घर पर है। सरकार द्वारा उसकी पत्नी के खाते में 500 रुपये की सहायता राशि भेजी गई है, जो कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब टिकूराम की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और कुछ ही दिन हुए, तो ऐसे में वह घर से बाहर भी नहीं जा सकता और प्रशासन की नज़र में वह इस सरकारी सहायता या फिर जो दानदाताओं द्वारा सहायता दी गई है उसके लिए काबिल नहीं है। ऐसा ही मामला वार्ड नंबर 25 में काशीराम मेघवाल का है, जो 65 वर्ष की आयु में सरकार से वृद्धावस्था पेंशन के 500 रुपये लेता है और BPL कार्डधारी होने के कारण 10 किलो गेहूँ भी मिलता है। काशीराम मेघवाल कोई खुदाई का काम करता था जो लॉकडाउन होने के कारण बंद हो चुका है, और ऐसे में काम बंद हो जाने पर महज आधा किलो आटा उसके घर पे बचा हुआ था और तमाम राशन खत्म था। ऐसे में जब समाज सेवी जितेंद्र गोयल द्वारा प्रशासन से बात की गई तो उन्हें जवाब मिला कि यह BPL कार्डधारी है और इसको हम राशन किट नहीं दे सकते। सर्व समाज और श्याम मंदिर रसोई द्वारा, दोनों रसोइयों द्वारा खाना पहुंचाया जा रहा था जो पात्र लोग थे उनको घर घर जाकर पूरी टीम के द्वारा। जब प्रशासन का ये रवैया का पता चला कि आप कैसे वितरण कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको लेके फिर हम लोगों ने उनको लिस्ट भी मुहैया करा दी थी कि ये लिस्टर इन लोगों को हम दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम व्यवस्था शीघ्र करवा देंगे। हमने 9 अप्रैल को उनको लिस्ट दे दी और 14 अप्रैल तक रसोई घर चालू रखने का रखा। भी इतने दिनों में ये जो भी है उस तक पहुंच के उसकी व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन 14 अप्रैल तक हमारे को कोई सूचना नहीं मिली। हमारे कृष्ण जी जो वाइस चेयरमैन है नगर पालिका, उन्होंने भी कहा और हमारे लोगों ने भी कहा, फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस तक प्रशासन द्वारा न पहुँचता हो खाना वगैरह या किट वगैरह, तो भी बता दें, तो भी ये कमेटियाँ शोक करेगी और हम प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसमें शोक कर सकते हैं। न तो प्रशासन ने किसी कमेटी को बताया, और जब हम लोग उन तक पहुँचे वास्तविकता क्या है, इतने दिनों में क्या किया, तो परसों और कल तक भी उनके घर राशन की समस्या थी। तो ऐसे लोग जैसे काशीराम जी हैं, वो बुजुर्ग हैं, पहले कुई वगैरह खोदने का काम करते थे, उनके घर एक तोला भी राशन नहीं था। उसके घर हाथों हाथ हम लोगों ने आटा, दाल, आलू प्याज पहुँचवाए। ऐसे ही एक टिकूराम नायक है, उसकी पत्नी का देहांत हो गया था 10 दिन पहले, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पा रहा, BPL था, लेकिन उनके घर भी ऐसा कोई राशन वगैरह नहीं पहुँचाया गया। उसको भी सर्व समाज रसोई के द्वारा ही हमारे लोगों द्वारा उसे आटा और वो पहुँचाया गया। ये हालात एक बलवीर नायक हैं जो दोनों पति पत्नी बुजुर्ग हैं,
उनके कोई कमाने वाला नहीं है, उनके घर पे भी आज तक प्रशासन ने पूरा डाटा देने के बाद विद मोबाइल नंबर तक घर तक बताने के बाद भी इन्होंने जाके भी आए हैं वहाँ पे, लेकिन आज तक उनकी व्यवस्था नहीं हुई है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि सरकार का मुख्य ध्येय क्या था। सरकार का मुख्य ध्येय यही था कि कोई भी गरीब और ज़रूरतमंद भूखा न सोए। जब प्रशासन को बार बार अवगत कराया गया तो उन्होंने एक ही बात कही कि ये बीपीएल परिवार है। हम मानते हैं बीपीएल परिवार है, लेकिन बीपीएल परिवार की परिभाषा क्या है? बीपीएल परिवार हम समझते हैं कि बीपीएल परिवार है उसमें कमाने वाले दो चार लोग हों, चलो समझते हैं कि 20 किलो या 10 किलो उनको गेहूं मिल गया, उनके खाते में पैसे उन्होंने कहा 2500 रुपये डाल दिए सरकार ने बिल्कुल डाले, लेकिन मात्र 500 रुपये। ये भी बात अवगत करा दी कि उनके खाते भी चेक हो गए हैं। 3-4 लोग जो मुख्य हैं, वैसे काफ़ी लोग मिलेंगे दर्जनों यहाँ पे। तो आज उनकी स्थिति है कि जो बलवीर है उसकी वाइफ बीमार है, उसके लिए वो दवाई लाए या राशन लाए, तो आज भी उसकी स्थिति यही है। यही हाल कई लोगों का है। एक सोना देवी बेवा वाइफ ऑफ कृष्ण है, उसकी भी हालात यही है। उसके पति नहीं है, वो बेचारी दिहाड़ी मजदूरी करती थी, उसका काम बंद था। तो ऐसी स्थिति मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग कोरोना की बजाय भी कहीं भूख से कुछ ना हो। हम ये चाहते हैं कि हम सरकार से भी मांग करते हैं कि आप इन्हें इंस्ट्रक्शन दें और इन्हें भी ये सोचना चाहिए मानवता नाते जो वास्तविकता क्या है। दानदाता आज इनको किट दे रहे हैं, तो ये फिर लोग किट किसको दे रहे हैं? एपील को दे रहे हैं फिर? मतलब एपील को एप्लीफाइड नहीं माना, हाँ जरूरतमंद को देनी है। तो जरूरतमंद वो बीपील भी हो सकता है, खाद्य सुरक्षा भी जुड़ा हो सकता है, पेंशनधारी भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग। हमें जरूरतमंद को और जो वास्तविक है, जो भूख से पीड़ित है आज, उस तक पहुंचने की जरूरत है। ये हम बार बार प्रशासन को यहाँ कह रहे हैं। यहाँ का मुख्य प्रशासक है, उसे भी देखना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ कागजों की फॉर्मेलिटी में लगे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा जो हमारे, तो वैसे में यह सवाल पैदा हो जाता है कि जिन दानदाताओं ने या जिन भामाशाहों ने जो राशि या जो राशन किट दी थी, उसमें उन्होंने यह सोचकर नहीं दी थी कि यह सहायता राशि देते समय यह देखा जाएगा कि एपीएल बीपीएल पात्र है पात्र। उनकी सहायता राशि उन लोगों के लिए थी जिसके स्थिति यह है कि उसके घर पे 2 जून का आटा नहीं है, उन लोगों को यह राशन सामग्री दी जानी थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां पर प्रशासन द्वारा दबी जुबान में यह कहा जा रहा है कि एक चाय व बिस्किट के पैसे भी अभी तक हमें सरकारी सहायता से नहीं मिले, हम तो इधर उधर से मांग कर काम चला रहे हैं, तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर उस प्रशासन को यह शर्तें लगाने का हक किसने दे दिया, जब भामाशाहों द्वारा जो सहायता यहाँ पर दी जा रही है उस पर उनके द्वारा सरकारी कंडीशंस कैसे अप्लाई की जा रही है। जिन परिवारों के बारे में हमने बताया, या तो महज 3 परिवारों के बारे में बताया, लेकिन ऐसे अनेकों परिवार यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर ही नहीं हर जगह पर ऐसी कहानियाँ आपको मिलेगी। बस ज़रूरत है उन कहानियों को ढूंढने की और उनको जो है राशन उन तक पहुँचाने की। बता दें आपको कि इन तीनों लोगों को जो है जितेंद्र गोयल जो समाजसेवी जिन्होंने हमें सूचित किया, उनके द्वारा उनकी सहायता की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी भी इनकी किसी प्रकार की सहायता नहीं की गई है। इसलिए हम लोग हमारी तरफ से भी यह अपील करते हैं कि कृपया जो लोग ज़रूरतमंद है उनके लिए नियम कायदे कानून मानवता के नाते थोड़े दरकिनार किए जाएँ, तो कोई गलत बात नहीं होगी। बस भूखे आदमी को भोजन मिलना चाहिए,